गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रवेशर क्लासेस। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 5, 2, 12, 6, 9, 10, 6, 8 और 4। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, बड़ा नंबर देख के या छोटा नंबर देख के स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल रहे थे। अब बात करते हैं डिफरेंस की या फिर प्लस की या मल्टीप्लाई की। क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकता हूँ? यस। जब मैंने इनका डिफरेंस निकाल तो मेरे पास कितना है 3। इन दोनों का डिफरेंस निकाल तो मेरे पास कितना आएगा 6। और इन दोनों के डिफरेंस को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मेरे पास 9 बन रहा है? अगर यही लॉजिक मेरा इसमें भी वेरीफाई होता है, मतलब 8 आ जाता है, तो इसका मतलब है मुझे लॉजिक तो मिल गया और उसी लॉजिक से मेरा ये आंसर भी आएगा। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 4। और इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 4। और 4 + 4 यानी कि दोनों के डिफरेंस को अगर मैं ऐड करूं, यानी कि 5 और 2 का डिफरेंस निकाला 3, 6 और 12 का डिफरेंस निकाला 6, दोनों को ऐड किया तो बीच वाला नंबर मुझे मिल गया 9। 10 माइनस का 6 इक्वल टू 4, 4 माइनस का 8 इक्वल टू 4, दोनों को ऐड किया तो 8। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर या नेगेटिव भी जा सकता है जब हम गैप निकालते हैं, तो दोस्तों नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। इनका डिफरेंस निकाला तो कितना है मेरे पास 1, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना है मेरे पास 6, और दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा कितना 7, और ये 7 है मेरा। तो अब ये कि कौन से ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन तो सी है। आपका क्या आंसर है? आप अपना आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे के दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली सुबह 6 बजे, सॉरी 7 बजे। बाय बाय।